कथा रूपी अमृत को पान करने में जो कुशल थे उन्होंने श्री शुत जी महाराज की अगुवानी की प्रणाम करके प्रश्न किया। अज्ञान धंत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभा शूत क्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले अज्ञान रूपी अंधकार से बचने के लिए कौन सी कथा है सुत जी, हमको भी बता दीजिए। हमारे भीतर बहुत अंधेरा है और हमारे शरीर का कोई ठिकाना नहीं कब महाराज राम के प्यारे हो जाए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुंह में इंसान है, जब वो मुंह बंद कर लेगा आदमी चलते चलते खाते खाते खड़े खड़े चला जाएगा, मुंह में है साहब। तो साहब कल्याण कैसे हो सकता है? क्यों? बोले महाराज काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ने बहुत तंग कर रखा है और हमारे भीतर एक मच्छर होता है। क्या होता है? जब बाहर भी एक मच्छर होता है, जब बाहर के मच्छर से बचना तो बड़ा आसान है, घर में अलाउड गुड नाइट क्या क्या बोलते सब लगा लो तो बच जाओगे, पर जो भीतर मच्छर बैठा है मैंने उससे बचना बड़ा मुश्किल है। वो कुट 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 काटता ही रहता है महाराज। देख पड़ोसी ने इतने बड़े मकान बना लिया, तने क्यों नहीं बनाया है? किसी के घर गए और देखा महाराज बढ़िया इसने बना लिया, हम तो ज्यादा वही कुट 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 काटेगा भाई। तो बाहर का जो मच्छर है उससे बचना बड़ा सरल है, पर भीतर जो मच्छर है उससे बचना बड़ा कठिन है। डेफिनेटली मोक्षदायिनी कथाएं, आज मैंने कितनी कथा कह दी, सब पुण्य आप सबको, पर अगर 7 दिन में आपका मन मैंने मंथन कर दिया, शुद्ध कर दिया, भीतर के मच्छर को भगाकर वहां पर गोविंद को बिठा दिया, तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। आपके भीतर का जो मकसद है, क्यों मैं एक शब्दों में कहूं कथा क्या है, कोई आपसे पूछे कि भागवत की कथा क्या है, 7 दिन जाके काय बैठे महाराज क्या प्रॉफिट है, तो कह देना भागवत की कथा मन की सर्विस सेंटर है। क्या है? सर्विस सेंटर। मेंटेनेंस करना होता है महाराज, गाड़ियों का 3-3 महीने में 4-4 महीने में ले जाना पड़ता है कि नहीं बताओ। हम शरीर का तो मेंटेनेंस कर लेते हैं, चेहरे का तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, कहने की जरूरत है नहीं, और महाराज गाड़ियों का करते हैं, पर हम अपने मन का मेंटेनेंस नहीं करते, मन का सर्विस नहीं करते। शरीर साफ करते कि नहीं? बढ़िया साबुन लगा के, इत्र लगा के महाराज, शैम्पू वैम्पू कंडीशनर लगा के, बाल में महाराज सबका मेंटेनेंस कर लेते हैं, पर हम अपने क्या मन का कभी मेंटेनेंस किए हैं? सोचिए एक बार। कथा क्या है? बोले कथा मन का सर्विस सेंटर है। 7 दिन तक मैं यहां बैठ के आपके मन को साफ करने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे हमारा मन तो साफ है पहले से, तुम क्या साफ करोगे? बोले हमारा मन कितना साफ है वो हमको नहीं बताना। अब हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि मन में रखने योग्य क्या है और रखने योग्य जो नहीं है उसको भगाया जाए, जो रखने योग्य नहीं। तो कथा तो मन का सर्विस सेंटर है, मन का। तो साहब अब कैसे काम चलेगा? श्री शौनक जी ने कहा कि कलयुग आ गया, लोग भक्ति तो कर लेते हैं पर गोविंद से कनेक्टेड नहीं हो पाते। झोली भी चलती, पूजा भी चलती, कीर्तन भी चलते, हमारा ढोलक पे चम्मच ठुक ठुक की चम्मच हमारा टेढ़ी पड़ गई, पर गोविंद नहीं मिले मारे, वो टेढ़ी टांग वाला नहीं मिला है? वो नहीं मिला तो बगैर उसके मिले तो ये सब बेकार है, तो मिलेगा कैसे? बोले 7 दिन ढंग से भागवत सुन लो और जो जो बताया गया है ना गोविंद से मिलने के उपाय उसको अप्लाई करना शुरू कर दो, जो बात समझ में ना आए ना अपने गुरुजनों से पूछो, ये आपको
ये मार्ग है। भगवान केवल भक्ति के अधीन है, इस बात को समझ लो। तो ये कथा मार्ग है, वे है गोविंद तक पहुंचने का, कुछ और नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, कम से कम आवाज तो पहुंचे ठाकुर जी के कान तक। तो कथा क्या है, एक वे है, एक रास्ता बनाती है आपके लिए कि इस कथा के माध्यम से, इस कथा के सूत्र को पकड़कर आप गोविंद तक पहुंच सकते हैं। कथा सूत्राधार है।